एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फाजिलका लड़के, जहां पर आज स्थानीय विधायक दविंदर सिंह कुबाया द्वारा डॉक्टर बीआर अंबेडकर भवन का उद्घाटन करा गया और उन्होंने बताया कि यह कमरों के लिए सरकार से 34-35 लाख की ग्रांट उन्होंने लाकर दी थी, जिससे यहां बैठने वाले बच्चों को आसानी होगी। और इस संबंध में ज़्यादा जानकारी देते हुए प्रिंसिपल प्रदीप खनगवाल ने बताया कि जब जब स्कूल को फंड की जरूरत होती है, विधायक को भाया सबसे पहल के आधार पर शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए उन्हें फ़ंड ला कर देते हैं। और इस मौके उन्होंने विधायक को भाया से पंजाब सरकार के जरिए पंजाब सरकार से स्कूल के विकास के लिए 10 लाख रुपए लाने का मांग पत्र दिया और विधायक ने कहा भी वह उन्हें जल्दी ही 15 लाख रुपए स्कूल के विकास के लिए लाकर देंगे। इस मौके उनके साथ नीला मदान, राज सिंह, नथू चिश्ती हल्का इंचार्ज फाजिलका, गोल्डी चांब पार्षद, राधे श्याम पार्षद, महावीर प्रसाद, राधे श्याम कश्यप प्रधान, नगर कौंसिल एडवोकेट सुरेंद्र सचदेवा, राजेश ग्रोवर, मार्केट कमेटी चेयरमैन पालचंद वर्मा विशेष तौर पर हाजिर रहे। और इस मौके क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये सब जानने के लिए हमारी पूरी कवरेज देखें। इस इलाके जरा तरक्या के वाल लैके जाऊगा।
क्यों एक एजुकेशन ही है जी कि जो पछड़े हुए इलाके होंगे या गरीब परिवार है उन्होंने अगर जाके अगे ले जा सकते मान दिता है और असि तो हमेशा ही थोड़ी सेवा के 24 घंटे हाजिर हाँ। जो भी स्कूल के पहला भी प्रिंसीपल साहब रहे हैं उन्होंने वालों भी कई डिमांडा कीतिया जाए कोशिश करते रहे कि पूरी हूँ भी प्रिंसीपल साहब ने कोई डिमांडा दसिया कि इस स्कूल के कोई एसी रूम बनाने हैं या कोई लॉकिंग टाइलां लाने हैं। सो अज असी सारे प्रधान साहब भी नाल लैके आए हैं म्यूनसीपल कमेटी के चेयरमैन साहब मंडी बोर्ड भी डीओ साहब भी 8-10 सरपंच बैठे हैं इन्होंने तो पैसे सिर्फ 10 लाख मंगे आप 10 से 15 लाख रुपया मैं तुम वादा करके जाना थोड़े दिन जरा स्कूल भेज देंगे जिथे भी कोई डिवेलपमेंट की लड़ है सो सारी जी थी करा दी जाएगी और प्रिंसीपल साहब बड़े मेहनती ने स्टाफ बड़ा मेहनती है सो इसे तरह मेहनत करते रहो। सो बड़िया गल् प्रिंसीपल साहब ने भी कही स्टाफ ने भी कही मेरिया सिफत कुछ ज्यादा ही कर गए सो थोनू भी पता भी जी स्टूडेंट की ज्यादा सिफत करती बिगड़ जाता है सो ऐदा जो सिफत करते रहोगे तो यह रोज मैं भी बिगड़ जावा। सो मैं थोड़ा सेवादार हाँ और हमेशा थोड़ी सेवा करनी है और जिथे भी कि लोड़ हो मेरे परिवार ने भी पहला बड़े लंबे समय तो इस इलाके की सेवा की है सो सानू यही है कि जिन्ना वो तो बॉर्डर के इलाका है इनू अगे ले जाया जाए 24 घंटे असं थोड़ी सेवा के हाजिर हाँ जिथे भी कि लोड़ पवे जे इस तो अलावा भी थोड़ा फंड की लड़ पवे तो भी असं हाजिर हाँ इतने असं 50-60 लाख सब तो पहला जो मैं नवा नवा एम एल ए बनिया उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि तुम असं 2 करोड़ रुपया देना है तुम इतने शहर के लाओ सो सब तो पहला 2 करोड़ चो 60 या 70 लाख रुपया मैं इस स्कूल ऑडिटोरियम बनाने वास्ते दिता सर और ऑडिटोरियम थोड़े दिन तक असं वह भी उद्घाटन करवावे। सो इस तरह जिथे भी लोड़ है इलाके आप तरक्या के राह लैके जाना और ही होगा जो इतों द स्टूडेंट पढ़ लिख के अगे बढ़ने वो थोड़ी मेहनत के नाल होना है और जो पंजाब सरकार ने पिछले 4-4.5 साल एजुकेशन से काम किया है वो थानू पता ही है कि पंजाब अज पहले नंबर पर है और बॉर्डर का मैं समझा कोई स्कूल योजा है नहीं जो स्मार्ट स्कूल ना हो और सरकारी स्कूलों के जी मैं समझा गिनती वधी है जेडे बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छड़ा के अब सरकारी स्कूलों आए वो ता ही होया कि जो टीचर ने और प्रिंसीपल इन्होंने मेहनत की थी है जो रिजल्ट जो चंगे आए हैं और जो कैप्टन साहब ने वादा किया कि असं पंजाब में 1 नंबर से एजुकेशन च लैके जावे और वादा पूरा होया है। सो हमेशा पंजाब सरकार थोड़े नाल है और असं भी थोड़े नाल खड़े हैं 24 घंटे थोड़ी सेवा के हाजिर हाँ थोड़ा सारे के इतने पहुंचने से बहुत बहुत धन्यवाद। अज जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल बॉयज फाजिलका च बड़ी लंबी मंग से इन्हों की कमरे काफ़ी घट सके और 5 कमर वास्ते 34 लाख रुपया ला के जो 5 कमरे बनाए गए हैं और उन्होंने जो उद्घाटन किया गया और मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करता कि जिन्होंने फंड दे के साथ इन्हों का फायदा जो इतने कमरे घट सके स्टूडेंट ज़्यादा सके और कमर क्लासरूम का फायदा की होंगे कि स्टूडेंट बहन के कमरे घट से वाले कमरे ने घट होंगे बिल्कुल जी उन्होंने डिमांडा दसिया स्कूल कुछ जो होर फंड वगैरह की लोड़ हैगी है और उन्होंने विश्वास दवाया कि जल्द तो जल्द फंड तुम दे के सारे जो काम रह उन्होंने यही है मैसेज है कि जो उन्होंने हल करने वास्ते जो गवर्नमेंट की हुई है उन्होंने मीटिंगा भी कई बार जी हैं हाई लैवल से हो चुकी और जल्द जो उन्होंने हल कट के ठीक हल जो उन्होंने कट दिया। इस तो अलावा मंच तो प्रिंसीपल साहब ने कहा भी रात 10 बजे तक लड़के लड़कियां स्कूलों में खेलते हैं थोड़े तक अप्रोच करते हैं उस बारे की कहना। बिल्कुल जी स्कूल है ये टाइम हूँ और जो टाइम तो बाद जो कोई इतने गलत काम होंगे वो मैं प्रिंसीपल साहब को विश्वास दवा कि
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।